बाराबंकी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम संदीप गुप्ता के सामने टिपरा गांव का एक ग्रामीण गुरु प्रसाद घाघरा में कूद गया। कटान की वजह से बेघर होने पर जिला प्रशासन द्वारा जमीन मुहैया न कराने का आरोप भी लगाया जा रहा है। सिरोली गोसपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत घाघरा की कटान से प्रभावित गाँव टिपरा में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। टिपरा गाँव को घाघरा नदी अपने आगोश में कभी भी ले सकती है। टिपरा गाँव के ग्रामीण प्रशासन से जगह दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से गांव खाली कराने को कहा, लेकिन जिला प्रशासन नहीं मुहैया करा पा रहा टिपरा गांव के ग्रामीणों को रहने के लिए सुरक्षित जमीन, जहां पर टीवी वन इंडिया न्यूज के संवाददाता संदीप तिवारी ने घाघरा नदी के किनारे बसे एक गांव का जायजा लेने पहुंचे। हमारे संवाददाता ने स्थानीय निवासियों से खास बातचीत की, देखिए क्या दर्द बयां किया उन ग्रामीणों ने। हमको जमीन चाहिए आवास से। तो अधिकारी आए कहो ना, कितना कहे, आज एक महीने चिल्ला रहे हैं। ये जनता सब देख लो, हाँ अपना हमारा काला धान पड़ा है, मैं चल दिया आवास से। ध्यान के दो तीन रोज के अंदर अंदर हम दो तीन रोज के अंदर अंदर हम व्यवस्था करा देता हूँ। क्या चाहिए तुम अभी चलो, चलो अभी चलो, दो तीन रोज के भाई तुरंत होना चाहिए, नहीं कर रहे चलो। टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम बाराबंकी के स्थित घाघरा नदी के किनारे पहुंच चुकी है और यहां पर देखिए कि किस प्रकार से कटान जारी है। मानसून दस्तक देने के बाद और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद में लगातार कटान जारी है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर कटान काफ़ी जोरों से है, लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं, वो लगातार पलायन करने के लिए मजबूर हैं और वो पलायन कर भी रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर स्थिति देखी जा सकती है कि लोग किस प्रकार से यहाँ पे छप्पर में रह रहे हैं और उसके बाद में जिनका पक्का घर बना हुआ वो अपना घर तोड़ करके दूसरी ओर जाने के लिए जो है पलायन करने पे मजबूर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों में कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी परेशानी यहाँ पर आ रही है आप लोगों को? यहाँ तो सारी परेशानी, क्या क्या समस्या यहाँ पर आई है और कितना आश्वासन मिला है सरकार या फिर प्रशासन की ओर से? सरकार से कोई प्रशासन नहीं मिला है, यहाँ पर लोग अपने हाथ ईंटा तोड़ कर अपने भाड़ा से लाद रहे हैं, अपने भाड़ा से ले जा रहे हैं। सरकार किसी का सामान भी नहीं उठवा कर रखवा पाई है, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, खाली लूट रही है, पानी में लूट रही। इसमें दिखाई नहीं पड़ता ना, इसमें एक बोरी पड़ती है 100 बोरी लिखी जाती है, 150 बोरी लिखी जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार जैसे अधिकारी लोग आ रहे हैं तो कितना आश्वासन यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा। क्या व्यवस्था करवाई जा रही है? अधिकारी लोग कुछ नहीं, केवल व्यवस्था करवा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। ईंटे के जगह पर मिट्टी और बालू डलवा रहे हैं और ढाही डलवा रहे हैं, बता रहे पेड़ पड़ रहा है और केवल चुटिया बना रहे जनता को और किसान को। और करीब लाखों बीघा जमीन कट गई है किसानों की, टेपरा मौजे की और सनावा करोनी तिलवारी सना सुरजन सब लोगों की जमीन कट गई और नोटिस पे नोटिस आरसी पे आरसी सरकार भेज रही, इतना मदद कर रही है कि खाली आपने केसीसी का पैसा वसूल रही है, हर आदमी को नोटिस दे रहे, पीड़ित कर रही है, बाकी और कुछ नहीं कर रही। और जो है ड्रेजिंग कार्य यहाँ पर चल रहा था, हमने पर साल से रुकवा 26 साल से कभी नदी नहीं ऐसे काटी है जैसे इस बार काट रही है, और ड्रेजिंग कार यहाँ पर चल रहा था, ड्रेजिंग कार हमने कई बार रुकवाया और फिर तुरंत एसडीएम साहब आकर रुकवाया, अधिकारियों से बात की, उन्होंने तुरंत गाड़ी में बैठ लिया, भाग गए। क्या कहा अधिकारी ने ड्रेजिंग वाले हमको नहीं पता, एसडीएम साहब से फिर बात की और जो ड्रेजिंग नहीं होती यहाँ पर तो ये नौबत कभी नहीं आती, ये केवल ड्रेजिंग की वजह से नौबत आई है किसानों को, और ड्रेजिंग अगर पर साल चलेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना लोग परेशान हैं, सिर्फ आश्वासन ही लोगों को मिल रहा है। राम नहीं, व्यवस्था कोई बात नहीं सोच रहा है,
सोचो कि आदमी मर रहा है, बंधक उसे पढ़ा खड़ा कर रहा है। तो ये हुआ कि पहले सबसे पहले एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीना हो गया, कोई बातें कोई कुछ जगह जमीन नहीं, कोई मिल नहीं है। अरे पैसा मंजूर कराओ हमारा, हम अपने बूटे ले ले। क्या नाम है आपका और क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? हमारा नाम दिवाकर कांगड़े है। यहाँ पे समस्या है खाली टेजिंग की वजह से। हमारे 26 साल के बाद एक गांव कटने का शुरू हुआ है। 26 साल में कभी ऐसी कटान नहीं लगी है। 26 साल के बाद खाली ये टेजिंग कार्य जो शुरू हुआ, दो साल से लगातार, दो साल से बराबर एक किलोमीटर, दो किलोमीटर ढाई नदी थी, बराबर एक पर साल एक से एक किलोमीटर काटी। अब की बार एक किलोमीटर काट चुकी है, अभी कितना काटे कोई अंदाजा नहीं है। केवल ड्रेजिंग की वजह से सब खाली दिक्कत हम लोगों को हुई है और सारे घर कट रहे हैं, टूटे जा रहे हैं। झूरा से हम लोगों ने जब से झूरा था तब से हम लोगों ने कहा था कि नो ठोकर बनवा दिया जाए, सनावा से तिलवारी तक ये हालत नहीं होती अगर ठोकर भी बन जाते। SDM साहब से बात हुई, DM साहब से बात हुई, दोनों लोगों ने कहा कि हम जो है तुम्हारा ठोकर मंजूर। बाढ़ विभाग के जेई से भी बात हुई, उन्होंने कहा मंजूर करवा देंगे। उन्होंने बाद में हमसे फ़ोन पे बताया कि तुम्हारा मंजूर होगा, नो ठोकर आप काम लगवा देंगे 3-4 दिन में। और जब काम यहाँ शुरू हुआ तो ईंटा के जगह मिट्टी पड़ रही थी और ठोकर को गया, हमने बोल्डर का ठोकर मांगा था, उन्होंने ईंटा का ठोकर भेजा, ईंटा के जगह मिट्टी भी पड़ रही है, मिट्टी पड़ रही, ईंटा भी नहीं पड़ रहा है। और ईंटा जो आता भी है वो निस्तर सड़ा हुआ ईंटा आता है, पीला ईंटा आता है। सरकार केवल लूट रहे, सरकार कुछ नहीं कर रही, हम लोगों की कोई मदद कोई सहायता नहीं कर रही है। और हम लोग जो है गांव वाले जुटिया कर इन लोगों का जो है ईंटा और सामान तखत खटिया पलंगा भेज रहे हैं बंधे पर। और 5 बीघा ज़मीन गिदापुर मौजे में बचत की पड़ी हुई है। हम लोग कहते कि इन लोगों को गिदापुर मौजे में बचत की ज़मीन दिला दी जाए, वो लोग सुकून से रहें। करीब 10-15 घर यहाँ कटे हैं, 10-15 घर की 5-5.5 बीघा में ज़मीन में हो जाता। और नेपाल को हमारे साथ में ADM साहब ने भेजा भी कि जाकर देख लो, वहाँ इनका घर रखवा दो। वहाँ मौजूदा हालत में गन्ना और गुंडा लोग जो हैं वो गन्ना और धान बोए हैं, इनकी कोई सहायता नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। हम लोगों ने बहुत जगह गुहार मचाई लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और वहाँ पे पेड़ और पौधे लगे हैं, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं। अगर इनकी सहायता की जाए तो उनको ज़मीन दिला दी जाए। क्या नाम है आपका? गुरु प्रसाद जी, पिताजी का श्री राम नाम। अच्छा, ये गांव कौन सा है? टेपरा मुझे सुनावा। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या जी, घाघरा कट रहा है, काट रहा, घर पुरिया कट गया, 22 तारीख में कट गया जी। आज तक कोई कर्मचारी अधिकारी आते हैं, कोई सुनवाई भी नहीं। नहीं, आज मिलेगा कल मिलेगा, कहाँ रहेंगे? आज भी ADM साहब आए थे जी। आए थे, क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, बस यही बता रहे हैं जी कि व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ व्यवस्था हो रही, पैसे कौड़ी भी नहीं कुछ दिया, मुआवजा भी कुछ नहीं आ रहा। घर आपका पूरा टूट गया? पूरा टूट गया जी, 6 छप्पर भी कट गए, 2 लड़के के, हम तो अलग हैं, 2 भाई जी हैं, 2 नाम लड़के भी नाम नहीं पड़ रहे हैं लिस्ट में, उनको भी नहीं सुना, हम किसको जी, हमको व्यवस्था नहीं। क्या कहते हैं यहाँ पे जब आते हैं? बस जी वही बात जी, कहते हैं हो जाएगा, देखभाल के चले जाते हैं जी। अच्छा, अभी तक कोई सुविधा मिली है? कोई सुविधा नहीं जी, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। खाने के लिए? खाने के लिए नहीं, या तिरपाल खाली 2-2 मिले हैं जी। अच्छा। तो खाने पीने की तो पढ़ने की नहीं व्यवस्था जी। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या? अरे जब व्यवस्था होगी तभी तो हम कहाँ चले जाएंगे, बंदे बस आ रहे हैं जी। हाँ, फिर भी आपको यहाँ से हटना पड़ेगा क्योंकि कटान तेजी है, बहुत तेजी। कहाँ जाएंगे आप लोग, क्या करेंगे? बंदे बसर करेंगे। अच्छा। बंदे बस आ रहे हैं जी, बंधा पूरा जाम हो जाएगा, रास्ता नहीं रह जाएगी। क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? समस्या यह है कि मान के चलो कटान लगा है, कट रहा है, पुरिया कट रहे हैं और सब, मान के चलो ऐसी भागना पड़ेगा। और मान के चलो कोई सरकार कोई जांच नहीं ले रहा, आता है और चला जाता है।
और सब लोग और कर्जा वाले हमको बहुत परेशान करते हैं, जमीन सारी कट गई है मेरी और कर्जा सब भाई, भाई ने कर्जा लिया है और परेशान हमको कर रहे बैंक वाले। कौन सा कर्जा लिया गया था? कौन सा कर्जा लिए थे आप? दुफानी लिया केसीसी के लिए। अच्छा तो आपके भाई ने नहीं दिया? भाई ने नहीं दिया, वो मर गए, खत्म हो गए, उनके बच्चे हैं हम पालते हैं। अच्छा और यहाँ पर सरकार द्वारा कितनी मदद पहुँची? सरकार द्वारा कोई मदद अभी नहीं पहुँची है और मान के चलो आते हैं इस डेम सब आते हैं देख के चले जाते हैं। कोई आश्वासन दिया गया आपको? आपको कोई वह नहीं दी, कुछ नहीं बताए, ठीक मशीन नहीं चलती। कितनी क्या समस्या आ रही है? समस्या भैया बहुत आ रही है, देख लीजिए अपने बहुत अपना घर बुढ़िया सब गिर गवा है, मतलब के हर राग समय वहाँ नहीं आया, खेती पाती नहीं आया, खेती पाती सब गिर गए, जो हमें कर्जा नहीं पाया रहा, वो कर्जा कैसे दिन जाएगा? और काका कहा थे लड़का बच्चा सब तिरपाल कांटा बंधक किनारे बसे हैं, वो का वकील जाए बोलो। 22 गाँव साहब इस तराई क्षेत्र में हैं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं, अतनी नाव और अतनी जहाज न भेज पाए लहा जो हम बूढ़े लगी, तो बंदिश के प्रवाह से नहीं दुलंदन सरैया तक रोड होना चाहिए, 1 मीटर ऊंची पटना चाहिए, 22 गांव की रास्ता है वह। अगर अचानक से यहां बाढ़ आ जाती है तो हम लोग कहां भाग जाएं, तो हम लोग यहीं बूढ़ के उतर आ जाएंगे। हाँ इसके लिए आपने कहीं मांग उठाई थी पहले? मांग कई बार दरखास्त लगाया था, उसकी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा कोई मार्ग है यहाँ पर, कोई जुड़ा हुआ मार्ग है, कोई रास्ता? रास्ता साहब जुड़ी है तो एक रास्ता तो या बंधा है, बंधा किंतूर जाए हाउसिंगपुर जाए तब तक यहाँ भूड़ जाए, बिचम बंधा काट दी साहब, तो बस इसके प्रवाह से दुलंदन सरैया तक रोड चाहिए हमका, 1.5 मीटर पटनी चाहिए, 22 गांव की रास्ता, 22 गांव तराई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे लोग यहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं, लगातार वो अपने घर को तोड़ करके और दूसरी जगह पर वो पलायन कर रहे हैं। ये देखिए ये नवनिर्मित घर है और इसको तोड़ करके यहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासी वो दूसरी जगह पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएँ हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी परेशानी यहाँ पर आ रही है आपको जब से बाढ़ और कटाव शुरू? अरे भैया बहुत परेशानी आ चुकी है, इतनी परेशानी ये कटान हर साल आती है यहाँ पर? नहीं हर साल नहीं, बहुत दिन पर आई है, एक दिन घर उठावा गवा धरो ना कहीं आया है। अच्छा यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं तो कितना आश्वासन क्या देके गए हैं आप लोगों को, क्या बताए हैं आप बताइए, क्या क्या बता के गए हैं, कुछ बताया आपसे? कुछ नहीं बतावा था, देखभाल के लौट जाते हैं अभी तब कटान पर लाग है, अब ना कहीं जगह मिले ना जमीन मिले, लड़का कहाँ लेके चला जावा जाए, तो कोई सोचना नहीं है कि कौन हाँ ये कटान पर है, कहूँ या जगह दिया जाए या जमीन दिया जाए, ना लड़का बच्चा कहाँ लेके चला जाए बिराने देश का। अच्छा यहाँ से अभी आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं? यहाँ पे बंधा पर रहा जाता है और कहूँ नहीं रहा जाता, तो वहाँ पर कैसे अपना घर बना के या फिर छप्पर में ही सब तटिया पर की छपरे जाता, तो ये सब करा जाता, कहा लड़का बचावे कहूँ। तो वहाँ पर अपने आप से जा रहे हैं या कोई वहाँ पर व्यवस्था करवाई है किसी प्रधान ने या अधिकारी ने? कोई अधिकारी ना प्रधान कोई मतलब बंधा पर तिरपाल कोई ताना था जिसके उजाड़ डारा पक्के रहा था, तिरपाल तान की गुजर बताऊंगा था, ना ना लड़का बच्चा बढ़ता था बौछार मारा था, लड़का सब भीग जाता है, सब यहाँ कर रहे हैं, कोई सोचना नहीं है कि यहाँ कटान पर है, लोग जगह दिया जाए जमीन दिया जाए डेम साहब आदमी सब लौट जाते हैं। बिल्कुल, तो मानसून दस्तक देने के बाद में यहाँ पर लगातार कटान जारी है, लोगों में काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही है, वो लगातार पलायन करने पे मजबूर हैं और इन लोगों का आरोप ये भी है, यहाँ के स्थानीय निवासियों का आरोप ये भी है कि लगातार यहाँ पे अधिकारी आ तो रहे हैं पर किसी प्रकार का कोई अच्छा संतुष्ट आश्वासन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आके निरीक्षण कर रहे हैं उसके बाद में वो लोग वापस चले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पीछे किस प्रकार से ये घर तोड़ा जा रहा है और घर तोड़ने के बाद में ये लोग दूसरी जगह पर तिरपाल में रहने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है? नंदू। कहाँ रहते हैं? हम मोदीपुरम रहते हैं। क्या समस्या है यहाँ साहब? बहुत समस्या है यहाँ, खाना का दिक्कत है यहाँ, पहनना दिक्कत है, उड़ना दिक्कत है, जो पहन वह भी जात बरतता तो ना तिरपाल है साहब, ना कुरिया है को साहब, कुछ कोई व्यवस्था है ही नहीं साहब। प्रशासनिक अधिकारी कोई आया? प्रशासनिक अधिकारी जिला डैम आता है तो वो आता तो यहाँ से नहीं व्यवस्था करने के लिए कहता और फिर चला जाता है।
लेकिन व्यवस्था के लिए कुछ नहीं की गई। व्यवस्था भाई कुछ नहीं की गई। आप यहाँ से जाकर कहाँ रह रहे हैं? बंधा पर। वहाँ व्यवस्था किया सरकार ने? कोई नहीं, यहाँ से जो फूस लेके जाते हैं वहाँ बनाते हैं, कहो यहाँ बनाओ साहब, कहो वहाँ बनाओ, कहो जा रहे हैं साहब, कहो वहाँ खाना बनाओ, कैसे करें? ये समस्या आपको पहले भी आती थी? पहले नहीं हुआ था? नहीं, पहले नहीं आती थी, जब कटान हुए लाग तब हुए लाग, मशीन जब से चली था। अच्छा, पहले नहीं होता था? आप यहाँ कितने दिनों से रहते थे? यहाँ साहब हम लोग पैदाइशी रहते थे। अच्छा, लेकिन कटान नहीं हुआ? कटान नहीं हुआ साहब। मशीन कितने दिन हो गए चली? 2 साल हो गए साहब। 2 साल से शिफ्ट करवा रहे हैं कि जिससे कटान से जो भी निकट इनकी जो है आवासीय झोपड़ी है वो हट करके दूर लेकर के जाएँ। अभी पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था नहीं की गई है और बंधे पे चारा तो यहाँ पर है ही, आप ऐसा बता रहे, चारे तो अभी है यहाँ पर, देखो चारे कहाँ से कहाँ मिलते हैं? अभी जो रहने के लिए, अभी रहने के लिए सब है तो झोपड़ी वगैरह, लेकिन यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि जगह में नहीं दी जा रही है, वो कह रहे हैं। देखिए ये बंधे इसके बीच बसे हुए हैं, मैंने अभी मौके पे कहा, ये तो अभी यहाँ बता रहे हैं ना साहब, इनको तो हम लोग खुद ही जो है कह रहे हैं कि भाई आप सुरक्षित स्थान की ओर चलो, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये बताइए, अच्छा आप बताएं, आप जब जगह मिलेगी तब जाएंगे। नहीं है ना भाई, क्यों प्रशासन अलर्ट है? यहाँ पे हमारे SDM है, तहसीलदार है, फ्लड के हैं, मैं भी आया हूँ कि यस कि देखें, यस कि इनको हम जो है बताएं, सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा, ठीक है। उनके ये कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, तो ये उनका कहना तो उचित नहीं है। मान ली कि रात बिरात कुछ हो गया, पानी बढ़ गया, आप सोए हुए हैं, कुछ ऐसी हो अनहोनी हो गई, तो इसलिए प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता कि इनको एजुकेट करके, इनको बता करके इनको हम शिफ्ट करते हैं। सर, जिनके मकान कट चुके हैं इनको क्या अभी तक दिया गया? उनको जो है यस जो भी जिसका मकान कटा है, जो उसका अनुमानित धनराशि वो दिया गया। कितने लोगों को भी दिया गया लगभग? अभी हमें तो पता कि 9 या 10 लोगों का जिसकी झोपड़ी थी उनकी है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।